दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर इंसानों के सर में जो ये जुएं होती है वह आती कहाँ से है, जिनको इंग्लिश में हेडलाइंस कहा जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि लोगों में इनके बारे में एक मिसकंसेप्शन है। कहा जाता है कि जुएं या तो लंबे बालों में होती है या फिर घने बालों में, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये कहना है यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस का। जुओं के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आपके सर में उस कंडीशन में पैदा होती है जब या तो आप उस शख्स के ज्यादा क्लोज हो जाते हैं जिसको पहले से ही हेडलाइंस हो, या फिर आप उसकी किसी चीज जैसे कॉम्ब, हैट, स्कार्फ का यूज करते हो, तो कंडीशन में आपके हेडलाइंस होने का एक मेन रीजन बन सकता है। इसके अलावा आपके सर में हेडलाइंस होने की कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। और जब ये एक बार आपके सर में आ जाती है तो अंडे देकर अपनी संख्या बढ़ाने लगती है, और 30 डेज के अंदर ही इनके अंडों से बच्चे निकल आते हैं, जो अगले 30 दिनों के बाद खुद जवान होकर अंडे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 5 या 10 अंडे न देकर पूरे 120 अंडे देती है। वैसे दोस्तों, जाने से पहले स्क्रीन पर डबल टैप जरूर कीजिएगा।